वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। मैं हूं अभिषेक बीजनिया, आपको अपने चैनल अभिषेक बीजनिया आर्ट्स पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एकदम ही फेमस एनिमे का एक कैरेक्टर जो कि है ड्रैगन बॉल जी। आप लोगों ने ड्रैगन बॉल जी देखा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में भी जाके बता दीजिए, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी मुझे तो सबसे जबरदस्त कार्टून लगता है। मतलब कि एनिमे है वो, उसको जापान में बनाया गया है, उसको जापान में एनिमे बोलते हैं, इंडिया में उसे कार्टून बोलते हैं। तो आप लोग क्या देखने के लिए तैयार हैं कि कैसे मैं उसका एक कैरेक्टर बनाता हूँ जिसका नाम वेजिटा है, और वो अपने एक फॉर्म में आता है जिसको बोलते हैं मार्जिन वेजिटा। तो क्या आप लोग मार्जिन वेजिटा को देखने के लिए तैयार हैं? तो आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वेजिटा की ड्राइंग बनाने के लिए मैंने एक व्हाइट शीट ले ली है, और फिर ये व्हाइट शीट A4 साइज शीट है, मैं एक चुटकी बजा के ड्राइंग आ गई। वेल डन दोस्तों। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको ड्रॉ करना नहीं आता क्या? आप लोग बिल्कुल सच ही कह रहे हैं। क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है, मेरे को ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने ये ड्राइंग बनाने का काम बहुत दिनों के बाद शुरू करा है ना, इसलिए। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि मुझे ड्राइंग करना नहीं आता, मेरे को ये ड्राइंग करना आता है। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखा दूंगा। तो खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं और हम अपनी मेन फोकस यानी कि अपना ड्राइंग शुरू करते हैं। सो कौन सी वाली पेंसिल लूँ? ये छोटी वाली ले लेता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, छोटी वाली, ये वाली मेरी 6B की पेंसिल थी, ये थोड़ी सी डार्क रहेगी, इसलिए मैंने ये वाली पेंसिल ले ली। ओके, तो बढ़िया, लेकिन ये वाली पेंसिल से बात नहीं बनी। ये क्या हुआ? अरे ये क्या बात है यार, ये पेंसिल की लाइट क्यों टूट जाती है? हट जा मेरी नजरों के सामने से तू, हट हट। अब इसको शार्प करना पड़ेगा दोबारा। यार इसमें, यार पेंसिल के साथ काम करने का यही सबसे बुरी बात होती है, इसको बार बार शार्प करो शार्प करो शार्प करो। कोई ऐसी कंपनी क्यों नहीं है जो मतलब कि मेरे को एक लेड पेंसिल बना के दे, और फिर उसमें HB 6B सारी की भी सारी बी भी मेरे को मिल जाए, मतलब सारी बी भी नहीं, सारी बी की पेंसिल मेरे को मिल जाए। ओके, तो मैं अपना इसको सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इसके डार्क पोर्शन को, लेग वाले पोर्शन के जो डार्क साइड है ना, आप लोग ड्राइंग में देख सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा डार्क है, वो वाले पार्ट को मैं सबसे पहले कवर करना चाहता हूँ। क्यों, मतलब वैसे तो ज़्यादातर लोग सबसे लाइट वाले को पहले करते हैं और डार्क वाले को बाद में करते हैं, लेकिन भाई ये अपना ही स्टाइल है, मैं थोड़ा सा उल्टा काम करना पसंद करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों, वो डार्क वाला साइड वाला क्या है, वो जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैंने वो वाला पहले चूज़ करा। अब मैं अपना एक रुमाल ले लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने आगे की ड्राइंग शुरू करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं इसके डार्क पोर्शन को बहुत ही मस्त तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से इसको कवर कर देता हूँ। वो मेरी थोड़ी सी मुंडी नज़र आ रही है, वो क्या है थोड़ा दोस्तों, वो मैं थोड़ा सा इसको पास में से देखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मेरे कैमरे के बीच में मेरा सर आ गया था। तो अब मैं ले लेता हूँ ये लाइट वाली पेंसिल यानी कि 4B की पेंसिल। तो इससे मैं इसका पोर्शन, लाइट वाला पोर्शन थोड़ा जो है वो वाला कवर कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में भी ऐसा ही है, मतलब सॉरी वीडियो में नहीं, फ़ोटो में भी ऐसा ही है। हाँ एकदम सही लग रहा है दोस्तों। अब मैं इसी को ही पूरी पेंटिंग पर रिपीट कर देता हूँ, सॉरी ये पेंटिंग नहीं है, पूरे ही हमारे स्केच पर रिपीट कर देता हूँ। सही, एकदम मस्त शेडो टाइप लग रहा है ना दोस्तों। अभी धीरे धीरे तो इसका पता चल नहीं पा रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जब ये वीडियो धीरे धीरे अंत तक जाएगी ना, तो आप लोग भी कहेंगे वाह 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 क्या बनाया है। अगर अगर आप लोग को ऐसा लगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना दोस्तों, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। सो अब मैं इसकी थोड़ी सी डार्क वाली साइड ले लेता हूँ, नहीं सॉरी और भी लाइट वाली पेंसिल ले लेता हूँ, जो मतलब कि एकदम ही शेडो को मतलब कि थोड़ा सा और भी हल्का हल्का दिखाए। तो सही यार दोस्तों, एकदम सही डिफ्रेंशिएट तो हो रहा है यार, डार्क से लाइट में जा रहे हैं हम लोग, शेडो का इफेक्ट हमारा कम होता जा रहा है वहाँ पर। सही मस्त मस्त एकदम मज़ेदार यार। सो दोस्तों इसके कपड़े तैयार हो चुके हैं, मस्त लग रहा है ना दोस्तों यार, एकदम शेडो का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं इसको थोड़ी सी रेंडरिंग कर देता हूँ इस एक कॉटन बर्ड की वजह से, मतलब ईयरबड की वजह से, इसमें रेंडरिंग एकदम मस्त लग रही है। जहाँ पे थोड़ा सा लाइट पार्ट लग रहा है वहाँ पे मैं और डार्क कर देता हूँ। वाह दोस्तों एकदम ज़बरदस्त, इसके जूते पर भी थोड़े से रेंडरिंग और फिर इसकी स्केचिंग कर देते हैं। हाँ एकदम मस्त सा लग रहा है ना दोस्तों।
वाओ, अब मैं इसके थोड़े से गर्दन के नीचे जो शेडो पार्ट आ रहा है ना, वहाँ पर काम करता हूँ। इसके थोड़े से फेस को भी थोड़ा सा, इसके कान वान, थोड़ा आइज़ वाइज पे थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, उसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। वैसे तो मैं सबसे लास्ट में इसके फेस को कवर करना चाहूँगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है दोस्तों। अगर फेस ही उसका अलग दिखेगा तो वो पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन सा कैरेक्टर है। क्यों, आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। सो फ्रेंड्स इस वाली वीडियो के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फैबर कैसल की पेंसिल्स। उसकी एक सेट आता है 6 पेंसिल्स का। अभी तो मैंने इसकी कई सारी यूज़ कर ली है, तो इसलिए ये सारी पेंसिल्स छोटी हो चुकी है, लेकिन आप लोग को ये काफ़ी बड़े साइज़ में मिल जाएगी। मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। ये वाली अच्छी पेंसिल्स होती हैं, डार्कनेस इसमें ज़्यादा रहती है और एकदम मस्त मज़ा सा आता है दोस्तों। आ जाते हैं अपनी वीडियो पर। मैंने देखो इसके बाल पे थोड़ा थोड़ा शेडिंग दे दी है, और इसके अब मैं फेस को थोड़ा सा एकदम जल्दी से कवर कर देता हूँ। हाँ, सही लग रहा है दोस्तों यार। इसकी थोड़ी सी आइज़ डार्क कर देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे इमेज में कि इसकी आइज़ एकदम डार्क है, वो क्योंकि एकदम गुस्से में है ना दोस्तों, इसलिए। अब ऊपर वाला जो एम लिखा हुआ है वो भी डार्क कर देता हूँ। सही यार, एकदम मस्त लग रहा है दोस्तों यार, वाओ। सो गाइस, वेजिटा मैक्सिमम भी तैयार हो चुका है, बस उसको थोड़ी सी मेरे को डार्क आउटलाइन करनी बाकी है। डार्क इसलिए ताकि उसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम जबरदस्त लगे, तो मैं उसको कर देता हूँ जल्द से जल्द पूरा, और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कैसा लगता है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो वेजिटा कैसा बना। सो गाइस, हमारा वेजिटा हो चुका है एकदम रेडी। वाओ यार, क्या खतरनाक लग रहा है यार, कितना ज़बरदस्त है ना यार दोस्तों, कितना ज़बरदस्त यार। इसकी आउटलाइन करने के बाद तो यार एकदम सा ही बदल गया ना दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना दोस्तों। इसको देखते हैं यार, क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार। इसको थोड़ी सी शूटिंग वूटिंग करते हैं इसकी मज़ाक कर रहा था। तो दोस्तों, आप लोग को ये कैसा लगा वेजिटा, अगर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बगैर बिल्कुल मत जाना।